हेलो स्टूडेंट, आई एम योर ज्योग्राफी टीचर विवेक फ्रॉम कैलिफोर्निया पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस योर सेकंड चैप्टर, द टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ओके, इन दिस चैप्टर वी ऑलरेडी डिस्कस फ्यू पॉइंट इन प्रीवियस लेक्चर लाइक पॉपुलेशन डायनामिक। आफ्टर दैट वी डिस्कस पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। आफ्टर दैट वी डिस्कस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ओके, सो नाउ टुडे वी डिस्कस हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ओके, सो द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। आपको ऑलरेडी बताया था इन लास्ट लेक्चर, इन अवर सरफेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज अनइवन, इक्वल नहीं है बेटा। इन द होल वर्ल्ड सम प्लेसेस आर देयर वेयर सो मैनी डेंस पॉपुलेटेड, सम आर वेरी स्पार्सली और सम आर मॉडरेटली। ओके, सो द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। वी कैन डिवाइड द वर्ल्ड इंटू थ्री पार्ट टू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन एज पर द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। फर्स्ट पॉइंट, द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, द स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया, एंड थर्ड वन द मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरिया। पर बिफोर स्टार्ट दिस थ्री पॉइंट, वी डिस्कस फ्यू पॉइंट रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन। सो फर्स्ट पॉइंट, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स द पैटर्न ऑफ वेयर पीपल लिव। हमारे अर्थ सरफेस पे लोग कहाँ कहाँ पर रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, वो सारा क्या है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, सेकंड पॉइंट, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज अन इवन, इवन इक्वल नहीं है। ओके, अन इवन। थर्ड पॉइंट, प्लेसेस विच आर स्पार्सली पॉपुलेटेड कंटेन फ्यू पीपल्स, दैट मीन्स जहां पॉपुलेशन स्पार्सली है वहां लोग बहुत कम रहते हैं। ओके, एंड प्लेसेस विच आर डेंसली पॉपुलेटेड कंटेन मैनी पीपल्स, जहां डेंसली पॉपुलेटेड है वहां लोग बहुत ज्यादा हैं। ओके, स्पार्सली पॉपुलेटेड प्लेसेस टेंड टू बी डिफिकल्ट प्लेसेस टू लिव। जो स्पार्सली है वो स्पार्सली क्यों है, बिकॉज वहां की जो कंडीशंस हैं रहने के लिए वो सुटेबल नहीं है। ओके, सो वी स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। ओके, सो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया आर द फर्टाइल रिवर वैली एंड इंडस्ट्रियल रीजन। ओके, जहां पर डेंसली पॉपुलेटेड कैसे एरिया है, फर्टाइल है और इंडस्ट्रियल रीजन है। ओके, सो द मोस्ट क्राउडेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ये डेंसली पॉपुलेटेड रीजन कहां पर है, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। ओके, दीज एरिया आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सिस। क्यों यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है, बिकॉज दीज एरिया आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सिस। ओके, कौन से रही है, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ओके, बिकॉज दीज आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज टू मच हैं, दैट्स व्हाई पीपल भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं। ओके, सेकंड पॉइंट, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया। ओके, आर द हॉट डेजर्ट, वेरी कोल्ड पोलर रीजन, सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। ओके, दिस ऑल द एरिया इन द होल द वर्ल्ड जहाँ पॉपुलेशन वेरी स्पार्सली है। हॉट डेजर्ट में लाइक योर सहारा डेजर्ट, एटाकामा डेजर्ट, वेरी कोल्ड एंड पोलर रीजन्स, जो हमारे पोलर रीजन्स हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक, ठीक है, सैंडी और रॉकी डेजर्ट, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। अब इक्वेटोरियल, सी है दिस डायग्राम, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में क्यों पॉपुलेशन कम है, इक्वेटोरियल रीजन्स आर फाउंड ऑलवेज नियर द इक्वेटर। ओके,
or near the equator, just see here, this is your earth, suppose this is your earth, this is your equator. So 10 degree north or 10 degree south, 10 degree north or 10 degree south. This region is called equatorial region, because in this region very high annual rainfall in the whole, because in through the years, high average temperature, nutrient poor soil, or high level of biodiversity. Okay, due to that यहाँ पर population कम है, यहाँ tree इतने close होते हैं कि इसको cross करना difficult होता है. Okay, और heavy rainfall होने की वजह से यहाँ पर क्या है, swampy area ज़्यादा होता है, swampy में जो दलदली area होता है. Okay, और due to the heavy rainfall होने की वजह से जो soil की nutrition होता है वो wash out हो जाते हैं. Okay, that's why यहाँ soil की जो fertility है वो भी लेस होती है. ओके, दिस ऑल द कॉज आर देयर कि यहाँ पर पॉपुलेशन स्पार्सली मिलती है. ओके, सो स्पार्सली पॉपुलेट एरिया, हॉट डेजर्ट, वेरी कोल्ड और पोलर रीजन, सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. ओके, बिकॉज क्यों यहाँ पर पॉपुलेशन कम है, बिकॉज द क्लाइमेट कंडीशंस इन दोज रीजंस आर नॉट सुटेबल फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्लियर, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट कंडीशन जो है सुटेबल नहीं है फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए. ओके, एंड नाउ सम पीपल्स हैव सेटल इन दोज एरिया, ऐसा नहीं कि इन एरियाज में पॉपुलेशन बिल्कुल भी नहीं है, सम एरियाज आर देयर जहाँ लोग आपको मिलेंगे, पर कहाँ मिलेंगे, वेयर मिनरल्स एंड पावर सोर्सेज आर अवेलेबल इन लार्ज क्वान्टिटी. कुछ एरिया ऐसे हैं में जहाँ हमारे पास कुछ सम रिसोर्सेज हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पर पॉपुलेशन आपको थोड़ी बहुत मिलेगी. ओके, एंड थर्ड पॉइंट वी स्टार्ट हियर, मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरिया. ओके, सो मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरिया आर द डेल्टा रिवर्स, डेल्टा ऑफ रिवर्स. अब डेल्टा क्या होता है, व्हेन यू रिवर्स मीट विद द सियर ओशन, दैट पॉइंट द डिपोजिट ऑल द मटीरियल्स इन ट्राइंगल शेप. You know, the river अपने साथ बहुत सारा मटेरियल कैरी करती है, एंड वेन रिवर मीट विद द सी दे डिपोजिट ऑल द मटीरियल्स इन अ ट्राइंगल शेप. जो ये ट्राइंगल शेप बनी है इसको होते हैं डेल्टा होते हैं. ओके, तो डेल्टा रीजन वेरी फर्टाइल रीजन. ओके, सो डेल्टा ऑफ द रिवर्स, सेंट्रल पार्ट ऑफ यूएसए, द टेम्परेट फॉरेस्ट इन यूरेशिया एंड कैनेडा. यूरेशिया मीन्स यूरोप प्लस एशिया कंबाइंड टू कॉन्टिनेंट कॉल्ड यूरेशिया. ओके, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड, पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका. ओके, तो व्हाट इज द टेम्परेट और व्हाट इज द ट्रॉपिकल रीजन. ओके, जस्ट सी हियर, दिस इज अर्थ, इक्वेटर सेंट्रल एंड दिस वन इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. आफ्टर दैट सी हियर, वी टॉक अबाउट ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन. ओके, दिस इज जीरो डिग्री इक्वेटर एंड दिस इज योर 23.5 डिग्री नॉर्थ, दिस इज योर 23.5 डिग्री साउथ, दिस लाइन 66.5 डिग्री साउथ और दिस लाइन 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंड टॉप पे 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ. ओके, तो दिस लाइन इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिस वन, और दिस लाइन आर्कटिक सर्कल, एंड दिस लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. ओके, और दिस लाइन इज कॉल्ड अंटार्कटिक सर्कल. ओके, सो those area lie between the tropic of cancer or capricorn called tropical zone. ये tropical zone में आते हैं, किसको बोलते हैं, tropical zone. and those area lie between the tropic of cancer to arctic circle in northern hemisphere and tropic of capricorn to antarctic circle in southern hemisphere is called temperate zone. ओके, एंड थर्ड जोन तुम्हारी फ्रिजिड जोन, इट लाई बिटवीन द
Arctic Circle to 90 degree north in northern hemisphere, and Antarctic Circle to 90 degree south in the southern hemisphere. Okay, इसको बोलते हम फ्रिजिड जोन. ओके, दिस इज इक्वेटर. दिस इज इक्वेटर. इक्वेटर के अपर पार्ट को बोलते हम नदरन हेमिस्फीयर. नदरन हेमिस्फीयर. ओके, एंड 0 डिग्री से नीचे के पार्ट को बोलते हम सदरन हेमिस्फीयर. ओके, सो नाउ इन द मॉडरेटली पॉपुलेशन एरियाज डेल्टा ऑफ रिवर्स सेंट्रल पार्ट ऑफ यूएसए द टेम्परेट फॉरेस्ट इन यूरेशिया. यूरेशिया मीन्स यूरोप एंड एशिया एंड कैनेडा. ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रास लैंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका. ओके, सो नाउ द मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरिया आर नॉट फाउंड एज अ कंटिन्यूस रीजन. ये कंटिन्यूसली नहीं फाउंड होते हैं, सम भेर ठीक है फाउंड होते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल हैव माइग्रेटेड टू दीज एरियाज ड्यू टू अ फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो मीन्स आपका जो मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ क्लाइमेट कंडीशन होती हैं वो सुटेबल होती है फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए. दैट्स व्हाई सम पीपल आर माइग्रेटेड इन दीज एरियाज. ओके, सो नाउ क्लियर दिस वन टू ऑल. आफ्टर दैट वी नोटिस हमने ये 3 पॉइंट डिस्कस किए. विच वन? फर्स्ट इज डेंसली पॉपुलेटेड एरिया. आफ्टर वी डिस्कस स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज और मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज. Okay, so now we notice that more people live in those countries which are in the northern hemisphere than those in the southern hemisphere. Okay, हमने जितने भी countries ये discuss किया, this one all and this one. Okay, तो यहाँ maximum जो country है वो northern hemisphere में लाई जाती है. Northern means जो 0 degree से upside है, ये होता है northern hemisphere. ठीक है, सो अबाउट जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने बात की कि इक्वली नहीं है, अनइवन है. ओके, तो अबाउट 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इन 10 countries. कि हमारी वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन जो है वो ओनली किन कंट्री में, ओनली 10 countries में है. और कौन सी वो? चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, रशिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया एंड जापान. ओके, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ईच वन ऑफ देम इज मोर देन 100 मिलियन. इन 10 countries में पॉपुलेशन कितनी है? ईच वन ऑफ देम इज मोर देन 100 मिलियन. ओके, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख. ओके, तो आइडिया लगा सकते हैं कितनी पॉपुलेशन इन 10 countries में. ओके, सो टुडे वी डिस्कस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. ओके स्टूडेंट, एंड टुमारो वी डिस्कस योर नेक्स्ट टॉपिक, ओवर पॉपुलेशन एंड अंडर पॉपुलेशन. ओके बेटा, थैंक यू सो मच.